now we will discuss the adults' role in play and instruction. so adults can uh, control the play or they can plan the play. Uh, for example, adults play an important role in early childhood. there are three roles that adults can play in child's play as identified by michigan state university extension. उस को या वालदेन को उनकी हल्की फुल्की निगरानी की ज़रूरत होती है तो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में जब ई के लिए कवानीन बनाए जा रहे थे तो उस वक्त इस को इस बात की तरबियत दी गई कि वो एक अच्छा खेल प्लान करना सीखे अगर बच्चे आउटडोर खेल रहे हैं तो वो कौन सा खेल खेलेंगे और उसके लिए क्या हल्का फुल्का इक्विपमेंट उनको चाहिए क्या कोई बॉल चाहिए या कोई और ऑब्जेक्ट्स चाहिए और फिर अगर वो इंडोर खेल रहे हैं तो इंडोर में किस तरह के कॉर्नर पे क्या क्या इक्विपमेंट होनी चाहिए जिनकी मदद से वो खेल सकें और फिर ये कि अगर वो ग्रुप में इकट्ठा बैठ के खेल रहे होंगे तो टीचर इनिशिएट कर सकता है शुरू कर सकता है उनके साथ कि भाई अच्छा आओ अब हम ये खेल खेलें और फिर बच्चे उसको खेलना शुरू कर देते हैं फिर ये कि जब वो खेल रहा होता है तो उसको सपोर्ट देना होती है सपोर्ट का मतलब ये है कि टीचर इर्द गिर्द रहेगा और अगर कहीं किसी बच्चे को कोई मसला पेश आता है या वो कोई तकलीफ़ महसूस करता है या कोई गलत इंटरेक्शन हो जाता है तो वो फिर उसको सपोर्ट करता है और समाइम्स उसको कुछ इक्विपमेंट भी देने होते हैं क्योंकि हम यहाँ पे ख़ास तौर पे जो बात कर रहे होंगे वो ई सी 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 इस के बारे में कर रहे होंगे कि वो बच हमारे इस हैं वो किस तरह से बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं और फिर आखिरी और ज़बरदस्त बात यह है कि देखिए बहुत से ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो जो जाने अनजाने में बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जैसे शार्प एजेस अब बज़ाहिर ब्लॉक जो है वो बच्चे जोड़ते रह जाते हैं लेकिन अगर कोई बच्चा फिसल के उनके ऊपर गिर जाएगा तो उसका पाओ या हाथ जख्मी भी तो हो सकता है और कोई चाकू या छुरी या आग लगाने वाला कोई इस तरह का कोई आला उसके आसपास ना हो फिर जब वो खेल रहे हैं तो कोई गिर ना जाए बुरी तरह ना गिर जाए और अगर खुदा नखास्ता गिर जाए तो उसको फ़ौन फ़ौरी तबी इमदाद कैसे दी जानी चाहिए तो ये जो ऑब्जर्वेंस है और सर्वेलेंस है ये बहुत ज़रूरी है कि एडल्ट का खास तौर पे रोल इस बात में कि जैसे पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को खेलने के लिए कह देते हैं लेकिन माँ मौजूद रहती है इर्द गिर्द इसी तरह जब वो स्कूल में होंगे तो उनको खेलने की इजाज़त तो दे देंगे लेकिन वो इर्द गिर्द रहेंगे ताकि बच्चे जो हैं वो एक सेफ माहौल के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर खेल पाएं और फिर हम अकॉर्डिंग टू द बुक एक्टिव लर्निंग फॉर फाइव्स इसमें ये लिखा है के देर आर थ्री थिंग्स दैट एडर्स कैन डू टू प्लान फॉर एक्टिविटीज़ द फर्स्ट इज़ टू प्लान एंड सेटअप सेंटर्स और इंटरेस्ट एरियाज वो जो हमने गोशों की बात की थी कि कुछ जगह क्लासरूम के अंदर इस तरह की हमें दे देनी चाहिए जहाँ पर बच्चों को कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए जिसकी मदद से वो खेल पाए और दूसरा ये कि उनके जो इंटरेस्ट हैं मतलब कुछ बच्चे जैसे हमने हॉवर्ड गार्डनर की थेरी का जिक्र किया था कि कुछ जो हैं वो इंटरपर्सनली uh, ज़्यादा अच्छे लर्निंग लर्नर होते हैं कुछ वर्बल ज़्यादा लर्नर होते हैं कुछ हमने कहा कि नूमेरिकल ज़्यादा लर्नर होते हैं तो उनके क्या इंटरेस्ट है और फिर उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनको किस जगह पे किस कॉर्नर में किस गोशे में हमें जगह देनी चाहिए ताकि वो अपने सेटिसफाइफेक्शन कर सकें द लास्ट इज़ वॉट स्किल द चिल्ड्रन हैव दैट यू आर वर्किंग विद देखिए ये बात तो तय है बच्चा जिस उम्र का है उसको उसी उम्र के मुताबिक खेल खेल खेलना चाहिए कभी तो ऐसा भी तो होता है ना कि बच्चे आपको पता है बच्चा तो बच्चा है वो किसी बड़े ऐसे खेल की ख्वाहिश कर सकता है या ऐसे इक्विपमेंट की ख्वाहिश कर सकता है जो उसके लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बच्चे को इतना फ्री खेलने देंगे कि वो अपना नुकसान कर बैठे फ्री खेल का मतलब ये है कि उसके हाथ पाओ जहन आज़ाद हो वो जिस चीज़ को हाथ लगाना चाहता है लगाए लेकिन उसके इर्द गिर्द ऐसा कोई कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए जो उसको नुकसान पहुंचा सके मसलन अगर इर्द गिर्द पानी है जैसे किसी लेक के गिर्द हैं पानी है या कहीं आग है या कहीं बहुत ज़्यादा हॉट है मौसम बहुत गर्म है या मौसम शदीद सर्द है तो ऐसी सूरत में हम बच्चों को कुछ ना कुछ हिफाजती इकदाम के साथ खेलने को कहते हैं तो बात यह है कि हम हमारे जो उस हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है जो ई सी सी के हैं कि भाई वो ना सिर्फ प्लान करेंगे वो बल्कि सपोर्ट भी करेंगे और फिर वो सर्वेलेंस भी करेंगे और उनके इर्द गिर्द कोई जो भी ख़तरनाक एक्पमेंट हैं उनको वो हटा देंगे इस सिलसिले में एक वीडियो हमने आपके साथ शेयर की है आप ज़रूर इसे देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें बच्चे खेल के दौरान कैसे सीखते हैं और क्या क्या एहतियातें हमें रवा रखनी चाहिए वो तो सब इसके अंदर आपको मिलेगी इनशाला